ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियों से भरपूर इन स्विच वर्ड्स का उपयोग इस तरह से किया जा सकता है। पहला, बिना लाइन वाले सफेद कागज के टुकड़े पर अपनी इच्छा को पूरा करने वाले स्विच वर्ड को छांट कर नीली या काली स्याही वाले पेन से लिखें। इस इच्छा पूर्ति चिट को एक जगह रखकर इस पर पानी से भरा शीशे, स्टील या किसी भी धातु से बना गिलास रखें और उसे ढक दें। लगभग एक मिनट के बाद से दिन भर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक घूंट भर के इसका पानी पीते रहें और पानी कम होने पर गिलास में और पानी डालते रहें। हर बार पानी पीते समय अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखने की कल्पना करें। हर घूंट इच्छा पूर्ति की एक खुराक है। जितनी बार थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे इच्छा उतनी जल्दी पूरी होगी। इस क्रिया में समस्या के अनुसार कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीने भी लग सकते हैं, लेकिन विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उपाय करते रहने से लाभ अवश्य मिलता है। इच्छा पूरी होने पर वो चिट जला दें और नई इच्छा के लिए नई चिट बनाएं। दूसरा उपयोग, स्विच वर्ड्स को किसी स्टिकर वाली टेप या डॉक्टर्स टेप पर लिखकर किया जाता है। इसे अपने शरीर के बाईं तरफ हाथ, पैर या किसी भी भाग पर चिपका दें। जो लोग बाएं हाथ से काम करते हैं वे अपनी दाईं तरफ चिपकाएं। खराब होने पर दूसरी चिट बनाएं और इच्छा पूरी होने पर चिट जला दें। तीसरी विधि के अनुसार स्विच वर्ड्स को कागज की चिट पर बनाकर अपने तकिए के नीचे रखें, ताकि रात को सोने पर इसका असर रात भर होता रहे। इन तीनों सुरक्षित और आसान तरीकों में से किसी एक विधि को या दो विधियों को या जल्दी इच्छा प्राप्त करने के लिए तीनों विधियों का एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति की हीलिंग या इच्छा पूर्ति के लिए स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल करना है तो एक कागज पर पहले उसका नाम लिखें, नाम के चारों तरफ गोल बंद घेरा यानी सर्कल बनाएं, फिर स्विच वर्ड लिखें और उसके चारों तरफ गोल बंद घेरा बनाएं। अब एंजल नंबर लिखें और उसके चारों तरफ बंद गोल घेरा बनाएं। उस शीट पर पानी का गिलास रखकर उसे दिन भर बार बार एक एक घूंट पानी पिलाते रहें। इसके अतिरिक्त उसके तकिए के नीचे भी एक चिट रख दें।